जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो तो आपकी लिपस्टिक भी ऐसे ही फैल जाती है कहीं से, होता है ना। और जब आप लिपस्टिक लगाते हो तो आपकी लिपस्टिक भी ऐसे ही चिपक जाती है अपने दोनों होठों से। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके होठ भी कभी कभी ड्राई फील करते हैं, कहीं से रूखे बेजान, किंतु कहीं जा नहीं रही है फटे हुए, ये भी बहुत गलत है। आप लिपस्टिक लगा रहे हो वो उतरी नहीं, नई लिपस्टिक लगानी है, रगड़ रगड़ के उतारो फिर भी नहीं उतरेगी, फिर क्या कर। चाहे जितनी लिपस्टिक को रगड़ लो वो नहीं उतरेगी। तो चलिए मैं आज आपको इन्हीं ट्रिक्स के बारे में बताती हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने होठों को कोई भी नारियल के तेल से या लिप बाम से, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है वैसलीन से, अच्छे से नरिश कर लें, ताकि आपके होठों पे जितनी भी रूखी बेजान स्किन है वो सारी निकल जाएगी। अच्छे से अप्लाई करें, फिर एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्रश से जो भी आपके होठों की डेड स्किन है उसको रिमूव कर दें। और ऐसे तब तक करें जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि आपके होठ के ऊपर जितनी भी डेड स्किन है या जो भी आपके फटे होठ है, जो भी आपको ऐसे लग रहा है कि रूखे सूखे होठ है, वो सारी की सारी निकल ना जाए और आपकी होठ अच्छे से साफ ना हो जाए। ऐसा आप ब्रश करते टाइम भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जब भी ब्रश करो तो उस टाइम अपने ब्रश को थोड़ा सा लिप्स के ऊपर भी ऐसे कर लो, थोड़ा रगड़ लो, तो आपके होठ एकदम अच्छे हो जाएंगे। जितनी भी डेड स्किन होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई होगी। तो मैंने यहाँ पे साफ कर लिया है जो भी लगा हुआ था, ये देखिए मेरे होठ एकदम साफ हो चुके हैं। इसके बाद में हम अपने होठों को लगाएंगे नारियल का तेल और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो ऐसे निकाल देंगे, तो इससे आपकी लिपस्टिक ज़्यादा चिपचिपी नहीं होगी। फिर मैं यहाँ कंसीलर ले रही हूँ और अपने होठों को कंसील कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके होठों की जितनी भी पिगमेंटेशन एरिया है वो सारी रिमूव हो जाएंगी और जो आपकी लिपस्टिक का एक्चुअल कलर है वो आपके होठों पे उभर के आएगा। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और इसको अपने होठों पे अच्छे से अप्लाई करें। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क होठ होते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप ऐसे अप्लाई करें फिर आपकी लिपस्टिक का कलर है वो उभर के आएगा। तो ये देखिए मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक ले ली है और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो इसके अंदर रिमूव कर दी। कभी भी सीधी लिपस्टिक ऐसे मत लगाओ क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड होगी, तो थोड़ा प्रोडक्ट लो, अगर और चाहिए तो और ले लेना। तो ये देखो थोड़ी सी निकाल लो ऐसे करके फालतू का जो भी प्रोडक्ट है और ये, और ऐसे सीधा बिल्कुल भी अप्लाई ना कर, ऐसा बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ ये जो इसके आगे की निब है एक साइड से प्लेन होगा, एक साइड से लंबा होगा, तो अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप अपनी लिक्विड लिपस्टिक से ही लिप लाइनर बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला हिस्सा है जो, इसको आपको एज ए लिप लाइनर लगाना है। तो देखिए देखिए मैं अपने लिप्स को शेप दूंगी इस तरीके से, आपको सेम इसी तरीके से अपने लिप्स को शेप देती है। आप देखोगे आपके लिप्स के ऊपर जो लिपस्टिक है वो इतनी अच्छे से उभर के आएगी। इस तरीके से अच्छे से शेप दे अपने लिप्स को ताकि आपकी लिपस्टिक और भी अच्छी लगे और आप बिल्कुल भी पैची या बिल्कुल भी अजीब तरीके से ना लगे। ये देखिए इसको फिर अच्छे से फिल कर लेंगे जो भी अंदर का प्रोडक्ट है। अगर आपको थोड़ी और कम लगे तो आप थोड़ी और भी ले सकते हो और अच्छे से अप्लाई करें। अगर आप एक साथ ज़्यादा लिपस्टिक ले लोगे तो फिर आपके जो होठ पे लिपस्टिक है वो पैची लग जाएगी और बहुत ही अजीब लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, लाइनिंग ज़रूर बनाएं ताकि आपके होठों की एक अच्छी शेप आ सके। तो देखिए ये हो गया। फिर कभी कभी क्या होता है ऐसे लिप्स के आसपास पे जो भी होती है लिपस्टिक वो निकल जाती है, तो इससे लिए आप क्या करें, और लिक्विड लिपस्टिक इतनी आसानी से रिमूव भी नहीं होती है, थोड़ा सा कंसीलर लें, आप फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम भी ले सकते हैं और जहाँ जहाँ से आपकी लिपस्टिक निकली हुई है या थोड़ी सी बिगड़ गई है तो वहाँ से इसे सेट कर लें। ये देखिए मैं इसे आराम से सेट कर रही हूँ, आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से सेट कर सकते हो। लिक्विड लिपस्टिक का यही लफड़ा होता है कि आप जब भी लगाओगे तो ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी, आप चाहे कितना भी रगड़ लो। तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा कंसीलर लो और उसे हाइड कर दो और अपनी जो भी मनपसंद लिपस्टिक है वो अप्लाई कर। फिर क्या होता है कि आपकी लिपस्टिक ऐसे चिपक जाती है आपके दोनों होठों से और ये बहुत ही गंदा लगता है। तो इसके लिए क्या करें, थोड़ा सा टेलकम पाउडर लें, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो पाउडर लें और उसे अपने लिप्स की जो लिपस्टिक है उनके ऊपर सेट करें और बाकी रिमूव कर दें। थोड़ी देर के लिए छोड़ें, उसके बाद में रिमूव कर दें, अच्छे से रिमूव करें और फिर देखोगे
आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। ये देखिए, बिल्कुल नहीं चिपक रही ना। हाँ, तो ये हैक बहुत शानदार है, कर इसे जरूर अप्लाई कर। ये देखिए, लिपस्टिक नहीं उतर रही है। ये मेरे साथ बहुत बार होता है, आपके साथ भी बहुत बार होता होगा ना, लिक्विड लिपस्टिक लगा लेते फिर वो उतरती नहीं है, कोई और लिपस्टिक लगा दी। तो सबसे पहले थोड़ा सा नारियल का तेल लें, और इसकी जगह आप लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। लिप बाम नहीं है तो वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन भी नहीं है तो आपके घर में देसी घी होगा, वो भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। अच्छे से अप्लाई करें इसको दोनों होठों पे, और धीरे 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 रगड़ना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आपकी लिपस्टिक धीरे धीरे निकलने लग जाएगी, और आप देखोगे बहुत ही इजीली तरीके से आपकी लिपस्टिक 2 सेकंड के अंदर निकल जाएगी। तो है ना बहुत शानदार है, जरूर ट्राई करें, और फिर आप अपनी पसंद की कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हो। ये देखिए, एकदम अच्छे से लिपस्टिक निकल गई, कोई भी रगड़ना नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और आपकी होंठ भी नरिश हो गए। ये हैक बहुत ही अच्छा हैक है, जरूर ट्राई करें, और फिर जो भी पसंद की लिपस्टिक हो उससे अच्छे से अप्लाई करें। तो हो गई ना लिपस्टिक लगाना आसान। देखिए, हमने 2 मिनट में अपनी लिक्विड लिपस्टिक जो वाटरप्रूफ थी उसे रिमूव करके अपनी पसंद की दूसरी लिपस्टिक भी लगा ली। तो ये देखिए, आप देख सकते हो मेरे होंठ की शेप और मेरी लिपस्टिक एकदम ही पैची नहीं लग रही है, एकदम भी ओवर नहीं लग रही है, और बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगी। तो ये रहा मेरा लास्ट का लुक। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट करना। थैंक यू।